एक हवाई जहाज ताकि आप अंतरिक्ष में यात्रा कर सकें कुछ घंटों के लिए जमीन से या 100 मील ऊपर उड़ने के बाद। वह हवाई जहाज एक सामान्य हवाई जहाज की तरह पृथ्वी पर एक हवाई अड्डे पर उतरेगा। आप सामान्य उड़ान की तरह ही इस विशेष रॉकेट प्लेन टिकट को खरीदकर अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दशकों बाद इस सपने ने कुछ करोड़पतियों और वैज्ञानिकों को परेशान किया है। वह सपना अब साकार हो रहा है। कुछ दिन पहले ब्रिटिश व्यवसायी सर रिचर्ड ब्रैंसन ने पहली बार अपने रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड को अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ाया था। कुछ अन्य जैसे अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस इसी तरह के अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए अनुसंधान और प्रयोग कर रहे हैं। वह 1990 के दशक की शुरुआत में था। विश्व प्रसिद्ध वैमानिकी इंजीनियर बर्ट रतन ने खुद को एक चुनौती में डाल दिया। अंतरिक्ष विमान बनाने की चुनौती है। अंतरिक्ष यात्रा करने में सक्षम विमान, आप कह सकते हैं रॉकेट एयरक्राफ्ट, उन्होंने एक दशक पहले याद करते हुए 2004 में कहा था, मुझे इसे आजमाना होगा, मैं इसे करूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। रतन खोज के पीछे के लक्ष्यों में से एक साधारण लोगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा को खोलना था जो लोग अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं। पिछले 25 वर्षों से मैंने महसूस किया है कि जो बच्चे सपने देखते हैं कि एक दिन वे अंतरिक्ष में जाएंगे, वे अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं। मैं खुद को एक बच्चा मानता हूँ, लेकिन उनके उस सपने की संभावना कम हो रही है। बट रतन ने सोचा कि अंतरिक्ष में इस यात्रा का अनुभव हवाई जहाज में उड़ने जैसा होना चाहिए। जिस तरह से अंतरिक्ष यात्री आमतौर पर रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष में जाते हैं और पैराशूट से पृथ्वी पर लौटते हैं, वह अनुभव आम लोगों के लिए बहुत अधिक साहसिक या जोखिम भरा होगा, उन्होंने सोचा। इसे ध्यान में रखते हुए बट रतन ने एक अंतरिक्ष विमान का निर्माण शुरू किया। उनके द्वारा बनाया गया पहला वाहन स्पेसशिपन कहलाता था। 1950 के दशक में परीक्षण पायलटों ने नामक एक प्रकार के परीक्षण विमान को उड़ाया जो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता था। रतन इससे प्रेरित थे। अंत में 21 जून 2004 को पहली बार निजी तौर पर वित्त पोषित उनका पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में पहुंचा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। स्पेसशिपन नामक 8.5 मीटर लंबे अंतरिक्ष यान ने कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में एक रनवे से अपनी उड़ान शुरू की। वाहन को व्हाइट नाइट नामक विमान के नीचे खड़ा किया गया था। जमीन से 14 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद अंतरिक्ष यान मदरशिप या ले जाने वाले विमान से अलग हो गया। तुरंत उसका रॉकेट इंजन प्रज्वलित हो गया। अंतरिक्ष यान में एकमात्र परीक्षण पायलट माइक मेलविल था। स्पेसशिपन तब रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर उठने लगा और अंत पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष की सीमा माना जाता है। वाहन के अंदर पायलट मेलविल ने पृथ्वी के वायुमंडल में लौटने से पहले भारी महसूस किया।